गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो वेट लॉस टर्मरिक टी के साथ मैं अपना मॉर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहा है सुबह का 7। बेटू का विंटर का छुट्टी चल रहा है अभी तो नहीं है, और इसीलिए सुबह थोड़ी सी लेट ही उठती हूँ। और हस्बैंड का भी चल रहा है इवनिंग शिफ्ट, तो बिंदास कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लेट भी उठो तो चलेगा। और लेट उठने से जो होता है घर का काम पूरा पेंडिंग पड़ा है, तो सबसे पहले बच्चे को खिला देती हूँ। बेटू को ड्राइंग क्लास जाना है तो उसको भी खिला पिला के भेज देती हूँ। और डुगू को मैं अभी खिलाने वाली हूँ कॉर्नफ्लेक्स, जो कि ख़त्म हो चुका है, जो देखने वक्त ही याद आता है, फिर बाद में मैं भूल जाती हूँ, कभी कभार ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स को थोड़ा सा क्रश करके मैं उसमें दूध डाल के थोड़ी सी फूलने के लिए रख देती हूँ, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, डुगू को खाने में आसानी होगी। और यहाँ पे मेरा हाथ का हालत हो गया है ख़राब। मम्मी ने मुझे साखा दिया था पहनने के लिए, जो मैंने पहन तो लिया था, पर उसको उतारने के चक्कर में मेरा हालत ख़राब हो गया है, क्योंकि वो इतना छोटा साइज़ था, आसानी से अंदर चला गया था हाथ के, बट वो निकल नहीं रहा था। और निकालने का एक ही मकसद था कि ये जो शाखा है ना, उसको उसका एक साइड बहुत ज़्यादा शार्प है, आप देख सकते हैं, एक साइड इतना शार्प है कि मेरा खुद का ही लग रहा है, डुगू को भी लग रहा है, बेटू को भी लग रहा है। तो इसीलिए हस्बैंड ने बोला इसको पहले खोलो तुम, वरना किसी दिन कट जाएगा किसी का। तो मैंने बोला ठीक है चलो खोलते हैं। तो बाएं हाथ का तो मैंने खोल लिया, दाएं हाथ का खोल नहीं पा रही थी। फिर तो हस्बैंड को बोला, हस्बैंड ने जैसे तैसे करके खोला, तो मेरा हालत हाथ का एकदम सूज गया है, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हस्बैंड का ये है ब्रेकफास्ट, चाय और उसके साथ टोस्टेड ब्रेड, घी के साथ टोस्ट कर दिया है मैंने, थोड़ा सा सेक दिया है। और मैं अभी बनाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट। यहाँ पे डुगू थोड़ी देर अपने पापा के साथ धूप में खेल रहा है, और विंटर जैसे गायब भी हो चुका है गाइस, एकदम ठंडा जो है कम हो गया है अचानक से सर्दी। और यह है मेरा ब्रेकफास्ट, ओट्स है, इसमें एग भी है, सही सारा वेजिटेबल्स है, तो ये बहुत ही यम्मी बना था और हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ हेल्दी खाना खाने की, बहुत ही कम ऑयल से। और यहाँ पे अभी बेसिन के काम में लगा दी हूँ हस्बैंड को, क्योंकि पानी जो है ना जा नहीं रहा है, अटक जा रहा है, इसीलिए बोला कि इसे थोड़ा सा देखो ठीक कर दो, वरना इसका गंदा पानी पूरा घर में हो जाएगा, तो फिर से मुझे क्लीनिंग करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने अभी तक झाड़ू पोछा नहीं किया है। सो उन्होंने एक बार खोल के उसको ठीक करने की कोशिश की है, पर अभी भी पूरी तरीके से वो ठीक नहीं हुआ है, फिर भी पानी जा रहा है, इतना जम तो नहीं रहा है, मतलब काम चला हुआ भी हो जाएगा, बाद में प्लम्बर को मतलब बोलना पड़ेगा। और यहाँ पे हस्बैंड लेके आए थे फिश, उन्होंने धो के नमक हल्दी भी डाल दिया है। और मैं अभी बनाने वाली हूँ ऑरेंज का जूस, जो कि विंटर का भी फ्रूट्स हैं वो ऑरेंज, तो बहुत ज़्यादा, और जूस बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सबके लिए मैं अभी जूस बनाने वाली हूँ। और डुक्कू तो आ जाता है जूस के स्मेल से ही, जब भी उसको लगता है कि हाँ मम्मी ऑरेंज छील रही है, तो वो दौड़ के चला आता है। और अभी देखिए, ये देखिए चला आया है अभी तो, क्योंकि उसको जूस लेना, इसलिए वो पानी भी नहीं पिएगा। तो फटाफट से चलिए, पहले तो मैं जूस बना लेती हूँ, सबको दे देती हूँ, खुद भी थोड़ा सा ले लेती हूँ। बच्चे के मतलब घर में बच्चे होते हैं ना, सच्ची बात बोलूँ, वो जो उनके पसंद होता है ना, उन वो सबको खाने में नहीं मिलता है, जैसे उसको पापा को और मुझे मिलता ही नहीं है। कभी कभार तो उस दिन तो पूरा 2 गिलास, बड़े गिलास के ऐसे 2 गिलास जूस डुगू ने अकेला ही खा लिया। फिर उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब पेट में दर्द और वॉमिटिंग का जैसा लग रहा था, मतलब बच्चे इतना थोड़े ही खा पाएंगे, पर एक्साइटमेंट में उसने खा तो लिया, पर फिर वो उसने उल्टी भी कर दिया था। तो इसीलिए मैं उसको बोला कि नहीं दूंगी मैं आज तुमको, तुम जितना भी रोना है रो लो, पर मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी तुमको आज। तो फिर उसके बाद जो टास्क होता है जूसर को धोने का, तो ये मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पूरा अंदर से खोल के सब कुछ साफ़ करना पड़ता है। तो इसको थोड़ी देर हम धूप में रख देंगे, ताकि जो ये है ना पानी थोड़ा सा अच्छे से सूख जाए। और आज हस्बैंड ने बोला कि तुम्हारा हाथ दर्द हो रहा है, तो चलो मैं ही थोड़ा सा कुकिंग कर देती हूँ, आज का सिंपल रेसिपी वो बना रहे हैं, फिश करी बनाए रहे हैं और राइस, और कुछ नहीं, राइस मैंने सबसे पहले बना दिया था, अभी वो फिश फ्राई करके बना लेंगे फिश करी। और उसके साथ उन्होंने कॉलीफ्लावर भी दिया है, बाद में मेरा फाइनल टास्क थोड़ा सा धनिया पत्ता छिड़क दिया है। बस चलिए, हमारा कुकिंग तो आज कंप्लीट हो गया है। फिर हस्बैंड ड्यूटी चले गए, बच्चे को भी
मैंने नहला दिया है, फिर अभी मैं नहा ली हूँ, बेटू भी आ चुकी है स्कूल मतलब अपने क्लास से, तो वो दोनों के कार्टून लगा कर मैं अभी थोड़ा सा कपड़े वपड़े जो भी था वो धोकर थोड़ा सा नहा के निकल चुकी हूँ। फिर मैं हो चुकी हूँ तैयार और अभी बच्चे को खिलाने की बारी है। पूरा दिन सोकर उठने से अभी तक का मतलब सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता है, तो चलिए फटाफट बच्चे लोगों को खिला देते हैं। यहाँ पे राइस और थोड़ा सा फिश और कॉलीफ्लावर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने ले लिया है, और उसको खिलाने के बाद मैं लास्ट ले रही हूँ मेरा ड्रिंक। इसके बाद मैं करूँगी 1 घंटे बाद लंच। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।